वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जेएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 16 जनवरी 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज की वीडियो की पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि आर्मी डे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 15 जनवरी। 15 जनवरी 2020 को पूरे देश में 72वां सेना दिवस मनाया गया। यह हर साल उस दिन को मनाने के लिए मनाया जाता है जब जनरल के एम करियप्पा ने 1949 में अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर एफ आर आर बुशर से सेना की कमान संभाली थी। इसके बाद वे भारतीय सेना के स्वतंत्रता के पहले कमांडर इन चीफ बने। तो जनरल के एम करियप्पा भारतीय सेना के स्वतंत्रता के पहले कमांडर इन चीफ थे। गौरतलब है कि 1899 में कर्नाटक के कुर्ग में जन्म लेने वाले फील्ड मार्शल करियप्पा ने सिर्फ 20 साल की उम्र में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नौकरी शुरू की थी। साल 1953 में करियप्पा सेना से रिटायर हो गए थे। 15 मई 1993 को बेंगलुरु में उनका निधन हो गया था, लेकिन भारतीयों के दिलों में वो सदा अमर रहेंगे। बता दें कि भारतीय सेना में फील्ड मार्शल का पद सर्वोच्च होता है। ये पद सम्मान स्वरूप दिया जाता है। भारतीय इतिहास में अभी तक यह रैंक सिर्फ 2 अधिकारियों को दिया गया, इनमें से एक हैं मार्शल के एम करियप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2020 में प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला किस राज्य में शुरू हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला 14 जनवरी 2020 से शुरू हुआ। हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर देश भर से भक्त कुंड में पवित्र डुबकी लगाने के लिए पवित्र स्थान पर जाते हैं। लोहित नदी की निचले हिस्से में बसे परशुराम कुंड का हिंदुओं के लिए बहुत महत्व है। भगवान परशुराम द्वारा उनकी मां का सर काटने और उसके बाद उनकी पौराणिक तपस्या के बाद तथाकथित ब्रह्म कुंड में स्नान करने से इस स्थान पर धार्मिक महत्व बढ़ गया। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, राजधानी है ईटानगर। राज्य पशु की बात करते हैं तो राज्य पशु है गयल और राज्य पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। अरुणाचल प्रदेश, भारत के नक्शे में देखते हैं अरुणाचल प्रदेश को, ये रहा अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल पूर्वी भाग है, ये आप यहाँ देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश को। राजधानी है ईटानगर, सबसे बड़ा शहर भी ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश का। क्षेत्रफल है 83,744 वर्ग किलोमीटर। जिलों की संख्या है 23। अरुणाचल प्रदेश में 23 जिले हैं। राजभाषा अरुणाचल प्रदेश की अंग्रेजी है। अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। एक बार फिर सुन लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था और राजभाषा अंग्रेजी है। राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश के हैं वी डी मिश्रा। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू भाजपा के। विधानमंडल एक सदनी है। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। राज्यसभा सीटों की संख्या अरुणाचल प्रदेश में 1 राज्यसभा सीट है और लोकसभा सीटों की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। अरुणाचल का जो हिंदी में अर्थ होता है वो है उगते सूर्य का पर्वत। अरुण धनचल, यानी कि अचल का अर्थ है ना चलने वाला। प्रदेश की सीमाएं दक्षिण में असम से, दक्षिण पूर्व में नागालैंड से, पूर्व में बर्मा और म्यांमार से, पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत से मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस परेड के लिए पहली महिला परेड सहायक कौन होंगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, तानिया शेरगिल। सेना की कोर ऑफ सिग्नल की एक अधिकारी कप्तान तानिया शेरगिल गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला परेड सहायक होंगी। परेड एडजुटेंट परेड के लिए जिम्मेदार होता है। 2019 गणतंत्र दिवस की परेड में कप्तान भावना कस्तूरी सभी पुरुषों की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी थीं। अब बात करें हैं वर्ष 2020 के गणतंत्र दिवस की, 26 जनवरी की, तो इसमें मुख्य अतिथि होंगे ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। ये हैं तानिया शेरगिल, ये आप फिगर में देख सकते हैं तानिया शेरगिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने आधे किलोमीटर के व्यास के साथ दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का संचालन किया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन। चीन ने हाल ही में आधा किलोमीटर के व्यास वाले दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का संचालन किया। इसके द्वारा आने वाले वर्षों में प्रमुख वैज्ञानिक खोज होने की उम्मीद है। 500 मीटर एपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप फास्ट एक एकल डिस्क दूरबीन है और गुइझोऊ प्रांत की राजधानी गुइयांग शहर में स्थित है। इसमें लगभग 30 फुटबॉल मैदानों के जितने क्षेत्र को देखा जा सकता है। चीन की राजधानी है बीजिंग और मुद्रा है चीनी युआन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मनमोहन महापात्र का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, फिल्म निर्माण। अनुभवी ओडिया फिल्म निर्माता मनमोहन महापात्रा का जनवरी 2020 में निधन हो गया।
1976 में निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म सीता रथ के लिए उन्हें ओडिया में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। महापात्रा ने अपनी फिल्मों निजदा स्वप्ना, मजी पाजा, क्लांता पड़ला, निर्वा झाड़ा सहित अन्य फिल्मों के लिए लगातार 8 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, राज्य पशु है सांबर हिरण और राज्य पक्षी है भारतीय रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2020 में जारी दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल खिलाड़ियों की अंतर्राष्ट्रीय सेंटर फॉर स्पोर्ट्स स्टडी CIES फुटबॉल ऑब्जर्वेटरी की सूची में किसने टॉप किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, केलियन एम्बापे। इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स स्टडीज CIES फुटबॉल ऑब्जर्वेटरी ने दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल खिलाड़ियों की सूची जारी की है। पेरिस सेंट जर्मन के स्ट्राइकर केलियन एम्बापे 265 मिलियन डॉलर के साथ सूची में सबसे ऊपर है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स स्टडीज एक स्वतंत्र अध्ययन केंद्र है जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह 1995 में बनाया गया था। यह आज के समाज में खेल की जटिलताओं पर काबू पाने के उद्देश्य से खेल जगत को अनुसंधान, उच्च स्तरीय शिक्षा और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। ये आप देख सकते हैं केलियन एम्बापे की फोटो, जो कि PSG पेरिस सेंट जर्मन के स्ट्राइकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2020 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, AP माहेश्वरी। वरिष्ठ IPS अधिकारी AP माहेश्वरी को 13 जनवरी 2020 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश कैडर के 1984 बैच के IPS अधिकारी AP माहेश्वरी वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्रालय में विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा हैं। उन्हें 28 फरवरी 2021 यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक के लिए पद पर नियुक्त किया गया है। यह आप देख सकते हैं फिगर में AP माहेश्वरी जी को, ये हैं AP माहेश्वरी वर्तमान में CRPF के महानिदेशक। बात करते हैं CRPF की, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सबसे बड़ा है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। CRPF की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्रवाई में राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता, कानून व्यवस्था और आतंकवाद विरोध में निहित है। यह क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में 27 जुलाई 1939 को अस्तित्व में आया। भारतीय स्वतंत्रता के बाद यह 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। इसका आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांशु पुरी जिन्होंने जनवरी 2020 में गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता, किस खेल से संबंधित हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जूडो। राजस्थान के दिव्यांशु पुरी ने 81 किलोग्राम जूडो में स्वर्ण पदक जीता। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो जनवरी या फरवरी में वार्षिक रूप से आयोजित किए जाते हैं, भारत में राष्ट्रीय स्तर के बहुविषयक जमीनी स्तर के खेल हैं जो दो वर्गों के लिए आयोजित की जाती है, अंडर 17 वर्ष के स्कूली छात्र और अंडर 20 कॉलेज के छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मौसम विभाग का गठन किस वर्ष में किया गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1875। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 15 जनवरी 2020 को अपना 145वां स्थापना दिवस मनाया, 145। इसका गठन वर्ष 1875 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है। यह मौसम संबंधी टिप्पणियों, मौसम की भविष्यवाणी और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट ने 9 लाख वर्ग फुट में फैले अपने दो सबसे बड़े पूर्ति केंद्र फुलफिलमेंट सेंटर कहाँ खोले हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा। फ्लिपकार्ट ने हरियाणा में 9 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ अपना दूसरा सबसे बड़ा पूर्ति केंद्र खोला है। फुलफिल सेंटर के विस्तार से फ्लिपकार्ट को उत्तर भारत में अपनी आपूर्ति श्रृंखला और संरचना को बढ़ाने में मदद मिलेगी। फ्लिपकार्ट ने आपूर्ति श्रृंखला और वितरण की बारीकियों पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के रसद कौशल क्षेत्र परिषद के साथ भागीदारी की है। या फिगर में हरियाणा को देख सकते हैं, ये है आपका हरियाणा, हरियाणा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान एंड आई थिंक उत्तराखंड से नहीं, इन 5 राज्यों से अपनी सीमा मिलाता है। बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद। हरियाणा की क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा में जिलों की संख्या है 22। राजभाषा है हिंदी और हरियाणवी पंजाबी। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ। वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। भाजपा की सरकार है गठबंधन की।
विधानमंडल एक सदनी है। विधानसभा सीटों की संख्या हरियाणा में 90 हैं, राज्यसभा सीटें हरियाणा में 5 हैं और लोकसभा सीटें हरियाणा में 10 हैं। हरियाणा उत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। इसकी सीमाएं उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, दक्षिण एवं पश्चिम में राजस्थान से जुड़ी हुई हैं। यमुना नदी इसके उत्तर प्रदेश राज्य के साथ पूर्वी सीमा को परिभाषित करती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हरियाणा से तीन ओर से घिरी हुई है और फलस्वरूप हरियाणा का दक्षिणी क्षेत्र नियोजित विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कल के प्रश्न का उत्तर। तो कल का प्रश्न था, हाल ही में किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया? तो उसका आंसर सही कोलकाता पोर्ट। आज का प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, भारत किस देश के साथ मिलकर सहयोग काजीन अभ्यास कर रहा है? फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अब बात करते हैं वर्ड ऑफ द डे की। तो आज का वर्ड ऑफ द डे है फ्ले, जिसका कि हिंदी अर्थ होता है लूटना, खाल उतारना या कटु आलोचना करना। फ्ले के सिनोनिम्स हैं लेस, कैस्टिगेट एंड रेब्यूक। वहीं एंटोनिम्स की बात करते हैं तो एंटोनिम्स है एड, प्रेज एंड असिस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।